नमस्कार दर्शकों, मैं दामिनी आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे बड़वा की। बड़वा में लॉकडाउन के बाद कैसी क्या स्थिति सामने आई है। पुलिस प्रशासन बड़वा के लोगों को सुबह 5 से 9 बजे तक छूट दे रहा है ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। खैर ये बहुत ज़रूरी भी है, इस वक्त लोग अपने घर से बाहर निकलकर ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं, जैसे सब्जी फल किराना ग्रॉसरी शॉप से कुछ सामान खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लॉकडाउन व अनिश्चित बंद के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में वे अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर बड़वा के सब्जी मार्केट के। इस तस्वीर में भीड़ साफ दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हैं कि सब्जी खरीदने के लिए कितने लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहना हुआ है और दुकानदार भी सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब ने तस्वीर में देखा कि लोग सामान खरीदने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अहम चीज़ को भी नज़रअंदाज कर रहे, जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इससे कोरोना वायरस के फैलने का डर बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इससे सवाल ये सामने आता है कि आखिर हमारा पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, क्या वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहा है, क्या उसे जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए था वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढे व इस स्थिति को काबू में करे। मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहे, घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकलना बहुत ही ज़रूरी है तो मास्क व सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर करें। बार बार अपने हाथ धोते रहे, क्लेनलीनेस का खास ध्यान रखें व अपने हाथों को बार बार अपने चेहरे पर ना लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का खास ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोरोना की कड़ी को तोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।